गुरुजी ने बताया, गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पूरा विधि विधान से पूजन करके। शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए, जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, देखो पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मिट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मिट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए। परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर आ जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सिंचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सिंचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, दो दिन पहले लाए हो, चार दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए। यानी कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सिंचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा सिंचन भले ज्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सिंचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है, किस जल से गलाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंडे के पास पितरों का निवास होता है, अन्नपूर्णा पितर सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मिट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर गोबर को या पानी में उसको कपड़े को गीला कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोछा जाता था, मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोछते थे। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिएगा। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना है,
घर में लेकर आए और जल का छिटा होना जरूरी। दो दिन तक तीन दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छिटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छिटा अवश्य फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं विदेश, आप विदेश संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भार, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा, भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है, ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान रहती है। उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगी से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी। शिवाय नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उसके लिए धन्यवाद।